ये बोतल को आप यहाँ पे लगा दे। और उससे पहले जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? मैं तो बढ़िया मस्त, और आप लोग से भी उम्मीद करता हूँ आप लोग भी मस्त और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आप लोगों ने मेरा मथुरा सीरीज़ को बहुत सारा प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। एक इंसिडेंट हुआ था मथुरा सीरीज़ में मेरे साथ, जो कि एक स्कूटी वाले भाई साहब का फ्यूल ख़त्म हो गया था, और मैंने अपने बाइक से फ्यूल निकाल के देने का बहुत कोशिश किया, लेकिन मैं अनसक्सेसफुल रहा, क्योंकि एक्चुअली मुझे भी BS6 से कैसे फ्यूल निकालते हैं वो मुझे भी पता नहीं था। घर आने के बाद मैंने बहुत YouTube पे वीडियोस देखा जिसमें कैसे BS6 से आप फ्यूल निकाल सकते हैं, बहुत सारा रिसर्च किया। बहुत लोग क्या करते हैं कि ये पाइप जो है इससे फ्यूल निकालने का प्रयास करते हैं, लेकिन आप इससे नहीं निकाल सकते। अगर आपने इससे निकाला भी तो आप हेल से आप खिलवाड़ कर रहे हैं, तो बेटर यही है कि आप इसका यूज़ ना करें। तो आइए अभी हम आपको बताते हैं कैसे आप BS6 मॉडल रॉयल इनफील्ड, जो कि रिबॉर्न सीरीज है, उससे आप कैसे फ्यूल निकाल सकते हैं। अगर आप किसी का हेल्प करना चाहे, आप बहुत लोग ऐसे मिल जाएंगे आपको रोड पर जो कि जिनके पास फ्यूल नहीं है, अगर आप हेल्प करना चाहते हैं फिर भी आप हेल्प नहीं कर पा रहे, तो कैसे फ्यूल निकालें उसका सही तरीका। आप ये जो देख रहे हैं, अब ये ब्लैक कलर का जो पाइप है, ब्लैक कलर का पाइप के पास यहाँ पे वाइट और ब्लैक जो जॉइंट है यहाँ पे, वहाँ पे दो आपको एक क्लिप जैसा दिखेगा, दो क्लिप, ये आपको दिख रहा होगा, बटन टाइप का यहाँ पे है। इसको दोनों साइड से प्रेस करें, ये दोनों साइड से प्रेस करते के साथ साथ आप पीछे की तरफ पुश करें, ये आपका निकल जाएगा। ये देखिए ये निकल गया, और पाइप में कुछ फ्यूल होता है, तो बेटर यही है कि आपका गाड़ी इंजन ठंडा हो, गाड़ी आपका कूल हो, अगर नहीं हो तो थोड़ा पानी वानी डालकर गाड़ी को पहले ठंडा कर लीजिए, उसके बाद ही आप ये पाइप निकालिए, ताकि आप कोई दुर्घटना आपके साथ नहीं हो। ये बोतल को आप यहाँ पे लगा दे, और उससे पहले चाबी को ऑफ कर दीजिए, और यहाँ पे इग्निशन की जो है ये आपका ऑन होना चाहिए, ये बीच में, ये कट नहीं होना चाहिए, ये बीच में होना चाहिए, और उसके बाद आप चाबी को ऑफ कर दें। उसके बाद आप यहाँ पे बोतल को थोड़ा सा प्रॉब्लम करके यहाँ पे बोतल को लगाए, उसके बाद फिर की को स्टार्ट करें। देखिए आपका फ्यूल आने लगेगा, ठीक है, फिर हाँ एक बार में आपका पूरा नहीं आएगा, उसके बाद फिर की को ऑफ़ कीजिएगा, फिर ऑन कीजिएगा, फिर से आप की ऑन कीजिए, देखिए आप आराम से आपका फ्यूल निकलेगा, फिर ऑफ़ करना है, एक बार में आपका पूरा नहीं, एक बार में लगभग 50 ml, हाँ 20 ml या फिर 50 ml के आसपास एक बार में आपका निकलेगा। तो ऐसे करके आप फिर ऑफ करें, इस टाइप से आप करके की को ऑफ करें फिर ऑन करके, वैसे करके आप अपना फ्यूल टंकी खाली कर सकते हैं। मैं भी खाली करके उसके बाद फिर आपसे मिलता हूँ। लगभग 10 मिनट के मशक्कत के बाद फाइनली पूरा फ्यूल निकाल चुके हैं टंकी से। तो गाइस फ्यूल निकल चुका है, अब इसको दोबारा से प्लग इन कर देते हैं। प्लग इन कर इसमें वापस से इसको प्रेस करना है, प्रेस करके जोर से अंदर पुश कर देंगे, ये इसको जोर से पुश कर दिया, और एक क्लिक का आवाज़ आता है, तो जब क्लिक का आवाज़ आएगा तो आपका ये समझिए अच्छे से प्लग इन हो गया है। फाइनली इसको प्लग इन कर लिया, और आप लोगों ने देखा होगा क्लिक का आवाज़ आया था। अब गाइज ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, अब इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि एवरेज टेस्ट है क्लासिक 350 का, एग्जैक्ट कितना किलोमीटर चलता है टोटल ऑन कैमरा करेंगे, जो भी करेंगे कैमरा के सामने करेंगे। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और थोड़ा बहुत सपोर्ट दिखाइए गाइज, ताकि और अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेटिव और अच्छे अच्छे राइड का वीडियोज़ मैं आप लोगों को तक पहुँचा सकूँ। टिल देन टाटा बाय बाय।